सो गाइज, आज मैं जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ वो है ये। यह है अपराजिता का पौधा, और मैंने इसको लिया था क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें ब्लू फ्लावर आता है, और इसमें ब्लू फ्लावर आता है तो जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और जैसे मटर के फूल होते हैं ना, वैसे इसमें फ्लावर आता है। और अभी तो इसका जो ये फ्लावर है स्पेंट हो गया है, लेकिन इसमें ब्लू कलर का फ्लावर आता है। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगी। आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, निकिता रावत 6753 पे। एंड ये है मेरा सनफ्लावर वाला गमला जिसपे मैं आज इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसका जो हेड था वो मैंने निकाल दिया था, एंड टिक्कू जो है वो पता नहीं किसको देख रहा है बाहर। सो मैं इसी में जो है इसको लगा लूँगी। ये आई थिंक 12 इंच का गमला है, और ये थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी खाद जो है यहाँ पर मैंने तैयार करके रखी है। और ये यहाँ पर जो है मैंने पॉट खाली कर दिया है, और जितनी भी मिट्टी है वो मैंने इस टब में डाल दी है, और इस टब में मैं जो है मिट्टी मिक्स कर दूंगी। जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि जो है मौसम बहुत ठीक हो रखा था, मतलब कल बारिश आई है तो मौसम आज ठीक है, इसलिए मैंने सोचा इसे रिपोर्ट कर दूं, क्योंकि इसे 1 वीक भी हो चुका है लिए हुए। सो टेम्परेचर अभी ठीक है, तो मैंने सोचा इसे रिपोर्ट कर देती हूँ।
और ये लग गया है मेरा अपराजिता का पौधा। तो जो अपराजिता होता है इसकी जो है बेल होती है, तो अगर आपके पास कोई ट्रेलीज है या अगर आप रेलिंग में इसे लगाना चाहते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज देखो मेरे पास तो ये डंडे हैं, ये स्टिक्स हैं जो कि मैंने सनफ्लावर को लगाई थी स्टेकिंग करने के लिए, सो मैं वही जो है इसमें यूज़ कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल ऐसी जाए सीधे। और ये है मेरा जो है रात की रानी का पौधा है जो मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें जो है फ्लावर्स भी आ गए हैं, सो मैं इसको जो है इस बड़े गमले पे अब रिपोर्ट कर देती हूँ। तो गाइज़ ये लग गए हैं मेरे दोनों पौधे। आप लोग भी अपने घर में ये पौधा लाइए और इस मानसून बहुत सारे पौधे लगाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों के साथ ना हर छोटी चीज़ शेयर करना गार्डनिंग से रिलेटेड। अगर मेरी वीडियोस देख के कोई एक सिंगल पर्सन भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।